मौसम ने अचानक करवट ली है। दिन भर की बात कर रहे तो उमस और गर्मी का माहौल रहता है, तो सुबह और रात में ठंड का महसूस होता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौसम वैज्ञानिक आशीष सर मौजूद हैं। सर, इस तरह का मौसम अभी अचानक बदलाव हुआ है? नहीं, अभी जो है ना, आप देखेंगे दो दिन को लेंगे इस्टर्ली विंड आ रही है, उसके कारण जो तापमान में आप दोपहर में देखने को मिल रहे हैं, और सुबह शाम जो है तापमान जो है वो कमी रहेगी, जो कि नॉर्मल है, क्लाइमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग उतना ही तापमान जाता है, तो तापमान सामान्य है आसपास। और दिन में आज और कल जो है दो तीन दिन देखेंगे कि इस्टर्ली विंड का फ्लो है, इसके कारण दिन में तापमान आपको गर्मी लग रही है। सर, ठंड कब से आसाना है? ठंड ऐसे नहीं है, इंक्रीमेंटल धीरे धीरे तापमान में जो है तो कमी आएगी, उसके बाद आप देखेंगे, तो जैसे अभी आएंगे 6-7 तारीख के बाद से आप देखेंगे थोड़ी सी इस्टर्ली विंड स्ट्रांग होगी, तो हो सकता है कि उस समय थोड़ी सी आपको हल्की सी ठंड लगे। सर, क्या बारिश का भी कोई आसार है, क्योंकि क्लाउड जिस तरह का बाहर में देखने को मिल रहा है उससे लग रहा है कि नहीं, बारिश के आसार नहीं है, वो क्लाउडिंग है थोड़ी सी, उस एक जेट स्ट्रीम हमारे ऊपर से पास कर रही है, तो उसके कारण आपको मिस्ट लग रही है, और ऐसी बारिश की संभावना नहीं है। कल जो है थोड़ी बहुत एक दो डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे गया नवादा डिस्ट्रिक्ट के आसपास थोड़ी सी क्लाउडिंग होगी और हल्की सी बूंदाबांदी होने की संभावना है, बारिश के भी आसार है। क्या सर, एटमॉस्फेयर में बदलाव को लेकर के क्या कुछ प्रिकॉशन वगैरह या कुछ नहीं, अभी जैसे ये जो होता है टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है इसमें के कारण, और साथ ही साथ मिस्ट होता है, पॉल्यूशन लेवल बढ़ता है, तो लोग इसमें सर्दी खांसी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो लोगों को खास करके मास्क लगाना चाहिए और प्रिकॉशन लेना चाहिए, खास करके बच्चों और बड़े लोगों के लिए इसमें। तो सुना आपने कि जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है, मौसम ने अचानक करवट ली है, उसमें साफ तौर पर जो यहाँ के मौसम वैज्ञानिक आशीष सर है उन्होंने कह दिया है कि जिस तरह से दिन भर में गर्मी का माहौल रहता है वो तापमान का असर है, और रात में ठंड और सुबह में ठंडी का जो मौसम रहता है वो भी तापमान की वजह से हो रहा है। ख़ास करके 6 और 7 तारीख को बिहार के कुछ एक ज़िले में जैसे कि गया और नवादा में एटमॉस्फेयर चेंज होगा, यानी कि बूंदाबांदी बारिश के आसार है, तो थोड़े से मौसम में बदलाव होने के साफ तौर पर असर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ही 6 से 7 तारीख के बाद जो है बिहार भर की बात कर ले तो मौसम में खासा माहौल बदलने वाला है, या फिर यूँ कह ले तो ठंड के जो धीरे धीरे जो असर होने वाले हैं वो 6 से 7 तारीख के बाद जो है बदलाव भी वो देखने को मिलेगा। तो बने रहे कशिश के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।